नोटिस को हटा दिया गया, वहां से जो ऑफिशियल पीडीएफ अपलोड किया गया था उस पीडीएफ को भी हटा दिया गया और फॉर्म फिलअप का जो पोर्टल था उसे भी बंद कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ भैया, आप आर्टिकल देख सकते हैं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो पहले जो उन्होंने शेयर किया था इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उसको हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि डेट आने के बाद तुरंत उसको हटा दिया गया, क्या क्या चेंजेस देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं, क्या अभी जो करेंट लास्ट नोटिस आया था उसके बेसिस पे ही आगे प्रोसीड किया जाएगा, तो इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके माइंड में जितना भी डाउट हो वो सब क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम लोग इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड यस, दिस इज लव सिंह, यू आर वॉचिंग पाठशाला एंड आईडी इनिशिएटिव, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है वो एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था जीमेन का डेट, और एनटीए ने कहा था भैया इस बार हम लोग 4 बार जीमेन ले रहे हैं। जी हाँ, 2 बार की जगह 4 बार पेपर लिया जा रहा है। पहला पेपर फरवरी में, उसके बाद फिर मार्च में, फिर अप्रैल में और फिर मई में, 4 बार पेपर लिया जा रहा है। और फरवरी का जो था वो फिर फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका था, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ का डेट आ चुका था और पोर्टल भी खोल दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही और जो पीडीएफ अपलोड हुआ था जिसमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे इस बार जो है वो 75 क्वेश्चन की जगह 90 क्वेश्चन कर दिए गए थे कि आपको 90 में से इतने क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह के काफी सारे चेंजेस कर दिए गए थे जो पीडीएफ में भी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया था। लेकिन जैसे ही ये अपलोड हुआ इन्फॉर्मेशन, उसके 3-4 घंटे के बाद एक न्यूज हम लोग को देखने के लिए मिला जिसमें साफ साफ कहा गया था कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो हटा दी गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो स्टूडेंट देखिए, इस बार हम एनटीए ने ये डिसाइड किया था कि जेईई मेंस इस बार 4 बार लिया जाएगा। देखिए, पहले बार होता था कि 2 बार लिया जाता था, अब 2 बार हो रहा था तो उसमें भी काफी सारे सेटिंग होते थे जिसमें काफी सारे सेट्स बनाने पड़ते थे, और इस बार 4 बार कर दिया गया, यानी कि मे बी फर्स्ट बार आप लोग अपीयर होंगे 8 लाख बच्चे, फिर सेकंड टाइम भी वो 8 लाख है वो भी रिपीट हो सकते हैं और एडिशनल भी हो सकते हैं। तो ऐसे कर करके अगर हम लोग एवरेज ले तो हर एक सेटिंग में अप्रॉक्स आप 7 से 8 लाख बच्चे वापस बैठ रहे हैं, और अभी सिचुएशन पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है, कोविड का सिचुएशन मेंटेन है और इस तरह से 4 बार अटेम्प्ट कर दिए हैं वो लोग, और ये भी नहीं कि उसमें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चले, क्योंकि पिछले बार भी जो हुआ था उसमें कुछ खास जो है वो एसओपी का जो बात किया गया था वो फॉलो नहीं किए गए होते। तो जब हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन अपलोड हुआ उसके बाद काफी सारे बच्चों ने ट्वीट किया, उन्होंने, क्योंकि एक मास लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, तो मोर इम्पोर्टेंट ये हम लोग को देखना है कि स्टूडेंट किस चीज में कन्वीनियंट है, क्या ये जो उन्होंने रूल्स जो ने लागू किए उसमें हर स्टूडेंट कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए वो जो क्राइटेरिया है वो सुटेबल है। तो मे बी शायद ये सब चीज जब उन्होंने देखा तो हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने इस पे आवाज उठाया होगा जिसके कारण उन्होंने इसे वापस ले लिया, और फिर से डिस्कशन होने वाला आज ही शाम में फिर से डिस्कशन होने वाला है कि अब आगे क्या डेट निकल के आता है। मे बी अभी जो डिस्कशन होगा वो फाइनल डिस्कशन होना चाहिए और उसमें हम लोग को एक प्रॉपर डेट देखने के लिए मिल जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस बार जेईई मेन 4 बार हो रहा है। 4 बार मतलब क्या कि आप 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं जेईई मेन। जी हाँ, ये नहीं कि अगर आपने 1 बार कर लिया तो आपको 2रा बार बैठने के लिए नहीं मिलेगा, आपने 2रा कर लिया तो 3रा बैठने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 4 बार 4 एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से देख लीजिए। जैसे कि आपका बोर्ड्स होने वाला है मार्च में, तो मे बी आपका मन नहीं है कि मार्च वाला पेपर देना तो उसे मत दीजिए, आप बाकी जो 3 पेपर है वो दे सकते हैं। और अगर हम लोग फॉर्म फिलअप का बात करें, क्योंकि बच्चों लोग के मन में ये भी डाउट है कि अगर हम लोग अभी फरवरी वाला जो वो अगर छोड़ देते हैं फॉर्म फिलअप, तो हम लोग आगे वाला फॉर्म फिलअप कब ये फिल कर पाएंगे। तो देखिए, अभी आप लोग को ये ऑप्शन दिया गया था, मतलब अभी जो इन्फॉर्मेशन आया था उसके हिसाब से अभी आप लोग चाहे तो फरवरी मार्च अप्रैल में 4ों का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फरवरी का भर सकते हैं। आप जो जो एग्जामिनेशन सिटिंग में बैठना चाहते हैं आप उसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया था। या फिर अगर आपको सिर्फ फरवरी का भरना है तो आप सिर्फ फरवरी का भरिए और बाद में विंडो जो है वो वापस से रीओपन कर दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आया था उसके हिसाब से ये था कि आप 4 बार बैठ सकते हैं, 4 में से आपका 2 बार मन है 1 बार मन है वो भी बैठ सकते हैं, और बेस्ट ऑफ 4 में से जो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा वही लिया जाएगा।
तो ये तो हो गई एक बात। और अगर मैं बात करें कि 75% क्राइटेरिया वाला है, तो 75% क्राइटेरिया के ऊपर कोई ऐसा नहीं बोला गया था कि ये हटेगा नहीं हटेगा। 75% क्राइटेरिया भी इस बार भी मौजूद है। लेकिन 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 स्टूडेंट देखिए, मेरे हिसाब से सिचुएशन अभी भी पैनिक है। और इस बार सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, इस बार 12th का पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 12th का पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन जेईई मेन डिक्लेयर किया किसी भी तरह का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। और क्वेश्चन का ऑप्शन देने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस के जो 12th के सिलेबस से हटा दिया गया उसमें से नहीं होंगे, वो उसमें से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात है, जो बच्चा इस बार 12th का प्रिपरेशन कर रहा है वो तो आधा पोर्शन ही पढ़ेगा, वो तो पूरा नहीं पढ़ेगा वो पोर्शन। फिर वो जब जेईई मेंस के लिए बैठेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा टैकल करना, क्योंकि वो ड्रॉप आउट के साथ भी बैठ रहा है। हाँ, उसको एक चांस आगे मिलेगा, लेकिन फिर भी इस बार जो जेईई मेंस होगा उसके लिए थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है, अगर हम लोग सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से चले तो। तो इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है ताकि 75% क्राइटेरिया जो है उसको इस बार भी हटा दिया जाए, क्योंकि पिछले बार जो बच्चे ड्रॉप आउट किए थे उन्होंने काफी सारा प्रॉब्लम फेस किया था कोविड के कारण, और अभी भी स्टिल काफी सारे बच्चे जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही मोड ऑफ एजुकेशन अभी भी चालू है, ऑफलाइन क्लासेस कहीं भी चालू नहीं हुए हैं। तो ये किया जा सकता था इस बार के लिए भी 75 वाला क्राइटेरिया हटा देना चाहिए था, 12th के कारण भी प्लस कोविड का जो सिचुएशन है उसके कारण भी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी देखने के लिए हमें मिला नहीं। 75% क्राइटेरिया अभी भी है। तो देखिए, मे बी अगर अब शायद अब जो आगे डिस्कशन होगा उसमें हटा दिया जाए। और पता नहीं यार, अभी दिसंबर आने के बाद सिलेबस पे क्यों चर्चा हो रही है। अगर आपने सिलेबस घटाना था तो आपको शुरू में ही बोल देना चाहिए था कि हाँ भैया, हम लोग जेईई का भी सिलेबस कम कर रहे हैं। अगर आप लोग अब भी आके लास्ट टाइम में भी आके अगर सिलेबस कम भी करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा भैया, बच्चों को तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा नहीं होगा ये हो सकता है हम लोग को मे बी आई होप आने वाले जो डिस्कशन है उसमें हम लोग को क्लियर देखने के लिए मिले, क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं। जो भी डिसीजन होगा, जो भी डिसाइड होगा, हम लोग आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसमें बेस्ट आप लोग के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, वो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बस स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को क्या लगता है, 4 बार जेईई मेन लेना आप लोग के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं भैया, थोड़ा सा टेंशन का बात है। और 75% वाले क्राइटेरिया का क्या होना चाहिए, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं, आपका जो भी थॉट्स है इसको लेके। और अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है किसी तरह का, प्रिपरेशन को लेके, कॉलेज को लेके, कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा फॉर्म नहीं भरे, कौन सा कॉलेज के लिए देखे, अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे जाइए, हमसे बात कीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है पढ़ाई में लेके, चाहे दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो वहां टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द रेड बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बस मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ और जम के मेहनत करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू। सो हे गाइस, अभी रिसेंटली भी हम लोग को न्यूज मिला, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, जी हाँ, जेईई मेंस को लेकर जो पहले जो डेट शीट हटा गई थी, जो जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में कि जो हम लोग को जो डेट शीट दिया गया था या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पोर्टल खोला गया था वो सब हटा दिया गया था, तो अभी वापस से आ चुका है। बस डेट एक दिन आगे शिफ्ट हो गया है, जो पहले 22 को शुरू होने वाला था वो अब 23 को शुरू हो रहा है। तो बस यही हम लोग को लगा था, और भी काफ़ी सारी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती थी, जैसे कि 75% क्राइटेरिया को लेके मे भी हो सकता था, सिलेबस को लेके कुछ बताया जा सकता है, तो ऐसा कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं। अभी एट अ टाइम मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी रिसेंटली खबर आई है, आपने पहले जो देखा वो वीडियो प्रीवियसली शूट हुआ था, थोड़ा सा डिले हो गया था नेटवर्क कारण, जिसके कारण अपलोडिंग में टाइम लग गया। तो खैर, अभी ये न्यूज़ आ चुका है कि जेईई मेंस फरवरी में होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा अटेम्प्ट करना है, एज यूजल जो पहले रूल था वही है कि आपको अगर एक अटेम्प्ट करना है आप एक कीजिए, आपको चारों अटेम्प्ट करना आप चारों अटेम्प्ट कीजिए, आपको चारों का फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं, ये छूट आपको दी गई है। तो कुल मिला के यही बात है, अभी तक हम लोग को इतना ही देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करते हैं आगे कुछ और काम के इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिले, लेकिन तब तक अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सबका, और ऐसे ही अपडेट के लिए आगे बने रहें।